अरे थोड़ा ध्यान दे लिया होता, थोड़ा फोकस कर लिया होता तो आज कहां से कहां होता। आय हाय, ये जो फोकस होता है ना, ये अक्सर ना टाइम निकलने के बाद ही ना रियलाइज होता है कि शायद थोड़ा फोकस कर लिया होता ना तो आज पता नहीं कहां से कहां होते। तो भी इस टाइम आप जहां भी है और आपको फोकस की जरूरत है तो कसम से ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। बात ऐसी है कि पढ़ाई करना सबके लिए जरूरी होता है और यहीं पर ना इस पढ़ाई के इर्द गिर्द ये फोकस नाम का शब्द बहुत सुनाई देता है। पड़ोस वाले अंकल से लेकर के घर के रिश्तेदार, मम्मी पापा, होए, पूछो मत, दूर दराज के लोग भी इसी का नाम लेते हैं। लेकिन ये कमबख्त फोकस पता नहीं क्या चीज है, हाथ ही नहीं आती है। लेकिन आज ही आपके हाथ भी आएगी क्योंकि कुछ टेक्निक्स इसके लिए आपको अप्लाई करनी होगी, क्योंकि पढ़ाई करना जो है ना वो सबके लिए जरूरी होता है और बिना पढ़ाई किए एकेडमिक एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है। और अगर एजुकेशन पूरी ना हो तो जिंदगी में ना बेहतर करियर होता है ना ही बेहतर लाइफस्टाइल। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि पढ़ाई अगर सही तरह से की गई हो तो स्कूल और कॉलेज की गुड परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छे करियर ऑप्शन दिला सकती है, जबकि स्कूल कॉलेज की पुअर परफॉर्मेंस करियर पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि पढ़ाई जब भी की जाए पूरे फोकस और अटेंशन के साथ की जाए ताकि हर कॉन्सेप्ट को आप क्लियर समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पढ़ाई के दौरान फोकस बनाए रखने के टिप्स। सबसे पहला है, पढ़ाई के लिए राइट प्लेस चुनिए, सही जगह का चुनाव कीजिए। पढ़ाई करने के लिए आपके पास एक शांत और कंफर्टेबल प्लेस होना चाहिए जहां टीवी और इंटरनेट जैसा डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना हो और शोरगुल भी ना हो। इसके अलावा आप जहां बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं वो सारी जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो चाहे सोफा हो या फिर चाहे आपकी चेयर हो। सो इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके फोकस को मेंटेन करने के लिए। दूसरा है, अपना स्टडी मटेरियल साथ लेकर बैठे। पढ़ाई के बीच बीच में ना उठ करके पेन पेपर, पेंसिल, हाइलाइटर ढूंढने की आदत बहुत डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है और सारा फोकस उड़न छू हो जाता है। इसलिए पढ़ने बैठने से पहले स्टडी मटेरियल साथ लेकर के ही बैठना चाहिए ताकि आपको बीच में उठना ना पड़े और आपका ध्यान उस टॉपिक पर लगातार बना रहे। तीसरी बात की टारगेट सेट करके पढ़ाई करें। अगर आप स्टडी में कंप्लीट अटेंशन ऐड करना चाहते हैं तो हर बार टारगेट को सेट कीजिए। किसी सब्जेक्ट का कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लीजिए जिसे कम्प्लीट करना आपके लिए बिग टास्क है। उसे पूरा करने के लिए टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम लिमिट में उस टॉपिक को पूरा तैयार करने का टारगेट लीजिए। ऐसा करने से आप उस फिक्स टाइम में जो 30 से 45 मिनट्स हो सकता है आप उस टॉपिक में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसे पूरा भी कर लेंगे, क्योंकि जब हम टारगेट सेट करते हैं तो उसे पूरा करने में जुट जाते हैं और हमारा ध्यान कहीं और नहीं भटकता। और अगर ज्यादा ध्यान भटक रहा है तो ब्रेक लेना बनता है। और यही है चौथा पॉइंट, जब आप पूरे फोकस के साथ एक टॉपिक को फिक्स टाइम लिमिट में पूरा कर लें तब 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका माइंड रिफ्रेश हो सके और आगे की पढ़ाई में भी अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। इसलिए 40 से 45 मिनट की स्टडी के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए जिसमें उस स्टडी एनवायरनमेंट से बाहर निकलना चाहिए। आप चाहे तो आसपास वॉक कर सकते हैं और इस दौरान जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसे अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हैं। इसी के साथ इम्पोर्टेंट है हेल्दी फूड खाए, जो है पांचवा नंबर। भले ही आपको स्टडी के दौरान चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चिप्स जैसे स्नैक्स खाना बहुत पसंद हो, लेकिन ये ना केवल आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं बल्कि आपकी स्टडी को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए इनके बजाय फ्रूट और जूस जैसे हेल्दी ऑप्शंस चूज कीजिए ताकि आपकी बॉडी और माइंड को एनर्जी मिले और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर बने। इसके साथ ही बीच बीच में पर्याप्त पानी भी पीते रहे। आगे है छठा पॉइंट, जो है क्विक नोट्स बनाइए। जैसे ही आपका एक लेंथी टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो बड़ी राहत की सांस तो आप लेते ही हैं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उस टॉपिक के क्विक नोट्स तुरंत बनाइए ताकि एग्जाम के दौरान आप उन्हें देखकर टॉपिक को रिवाइज कर सके। इस दौरान उन हाइलाइटेड लाइंस को भी आप लिख सकते हैं जिन्हें आपने बुक रीड करते टाइम हाइलाइट किया था। पता है, ऐसा करने से ना कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा। इस दौरान आप एक टास्क में बिजी रहेंगे इसलिए आपका पूरा फोकस इसी एक्टिविटी में लगा रहेगा। आगे सातवां पॉइंट है कि हर टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए। अक्सर पढ़ाई के दौरान जब टॉपिक हैवी या बोरिंग लगने लगता है तो ध्यान पढ़ाई से हट ही जाता है और इधर उधर या पास्ट फ्यूचर में खोने लगता है। ऐसे में आप टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उसमें ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
और किस तरह उसका आंसर दिया जाना चाहिए ताकि मार्क्स अच्छे आ सके। तो जब आप हर टॉपिक को इस तरीके से समझने और तैयार करने की कोशिश करेंगे तो आपका फोकस स्टडी से भटकने की बजाय स्टडी में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। इसका फायदा आपको स्टडी में तो होगा ही, साथ ही एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आगे 8वां पॉइंट है कि प्रेशर में ना पढ़े। जब कभी एग्जाम का प्रेशर होता है या फिर किसी हैवी टॉपिक को जल्दी से तैयार करने का दबाव महसूस होता है तो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग पाता है। इसलिए जरूरी है कि स्टडी में बिल्कुल भी प्रेशर फील ना हो। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एग्जाम की तैयारी पहले से ही करके रखें और उस दौरान जो नोट्स और क्विक नोट्स आपने तैयार किए थे उनकी मदद लेकर के टॉपिक को फिर से समझे और रिलैक्स होकर के उस टॉपिक का रिविजन करें। याद रखिए, आप पूरे साल जिस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पढ़ते आए हैं उस मेहनत का फल आपको तभी मिल पाएगा जब आप एग्जाम के दिनों में फुल फोकस और अटेंशन बनाए रखने के साथ माइंड को रिलैक्स भी रखेंगे। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि किस तरीके से फोकस होकर के स्टडी की जा सकती है और उससे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। इसीलिए इन सभी टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को इजी और इंटरेस्टिंग बना लीजिए। और साथ ही क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई स्टडी टिप्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आपको पसंद भी आई होगी। आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। आगे फिर से होगी मुलाकात कुछ और नए सवालों और जवाबों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।